हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून सभी को, राधे राधे। आज का जो सेशन होने वाला है दोस्तों, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पीडीटी एग्जाम 2023 के लिए। इंडिया जीके पढ़ रहे हैं और इंडिया जीके के लिए रेगुलर अपनी ये सेशन होता है दोपहर को 12 बजे। अच्छा, इसमें हम जो टॉप 100 क्वेश्चन है वो इस क्लास में डिस्कस करेंगे। शानदार इम्पोर्टेंट सेशन है। अभी क्लास में आ गए एक बार, सबसे पहले सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा सभी के पास में। आज इंडिया जीके का ये पार्ट नंबर 17 है। उसके पहले दोस्तों, अगर आपने जो पहले की क्लासेस नहीं देखी, आप सभी को प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जाके चेक कर लेना। जो मैंने इम्पोर्टेंट टॉप बताए हैं कम से कम, वो आपको तो क्या क्या कर लेना दोस्तों, वो तो आपको तैयार कर लेना है, ठीक है ना। चलिए शुरू करें सेशन को, शुरू करें क्लास को। बताइए जल्दी से एक बार थम्सअप कर दीजिए। तो भी क्लास में आ गए एक बार, जल्दी से जल्दी दोस्तों थम्सअप कर देना। उसके बाद सेशन को शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए फिर, आज का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो देखते हैं। लास्ट तक सभी देख लेना इस क्लास को, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बछेंद्री पाल अपने क्षेत्र में अपनी शानदार सफलता के लिए प्रसिद्ध हुई थी। बछेंद्री पाल, नाम सभी ने सुना है बछेंद्री पाल का। पहली भारतीय महिला थी जो, देखे दोस्तों, पहली भारतीय महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। ठीक, सब सुना होगा सभी ने नाम बछेंद्री पाल का। ये पहली भारतीय महिला थी जिसने, देखे, माउंट एवरेस्ट पर क्या की थी दोस्तों, चढ़ाई की थी, है ना, पहली भारतीय महिला। तो ये देखे दोस्तों किससे संबंधित है, पर्वतारोहण से संबंधित है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे, किसी संबंधित है, पर्वतारोहण से संबंधित है, ठीक है ना। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू देखिएगा जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, कौन सी राशि यहाँ पे अदिश राशि है, ये आपको बताना है। चलिए, कौन सी राशि अदिश राशि है, अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि में दोस्तों दिशा नहीं होती, ओके, सदिश राशि में दिशा होती है। अदिश में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, परिमाण होता है। तो यहाँ पे कौन सी राशि है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत प्रवाह, त्वरण और रेखीय गति, बताइएगा जल्दी से दोस्तों। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा इस क्वेश्चन में, अदिश राशि बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा विद्युत प्रवाह, विद्युत प्रवाह। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, यहाँ पे ऑप्शन सी जिन्होंने आंसर दिया है। विद्युत प्रवाह क्या है दोस्तों, एक अदिश राशि है। इसके अलावा जो धारा होती है, दाब होता है, ताप, ऊर्जा, ये सभी सब दोस्तों क्या होती है, ये सभी के सभी अदिश राशियाँ होती है, वेग है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी, सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की सड़कें कैसी थी। क्वेश्चन नंबर तीन, बहुत आइए जल्दी से। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी दोस्तों, उसमें जो शहरों की सड़कें थी वो कैसे थी, ये आपको बताना है। बताइए जल्दी से, यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, चौड़ी थी और दोस्तों सीधी थी, ठीक है ना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो शहरों की सड़कें थी वो एकदम चौड़ी थी और क्या थी दोस्तों, सीधी थी, हाँ ठीक है ना। हाँ, एक दूसरे को ये समकोण पर काटती थी, जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर 90 डिग्री पर काटती थी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर चार, बताना है सभी को। भारत में परवाल भीतियाँ पाई जाती है, भारत में जो परवाल भीतियाँ हैं वो कहाँ पर पाई जाती है। परवाल भीतियाँ दोस्तों तमिलनाडु के रामेश्वर में पाई जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट देखिए। भारत में कौन सा प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है, बताइए जल्दी से। भारत में कौन सा राज्य है जो प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल, ऑप्शन बी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य छवि किस कला का एक अच्छा उदाहरण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है आपके। नटराज की प्रसिद्ध जो कांस्य छवि है, ये किस कला का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। ये दोस्तों चोल कला, चोल कला ऑप्शन ए होगा यहाँ पे। चोल शासकों की दोस्तों ये क्या है, कला है, नटराज,
ध्यान रखना दोस्तों, नटराज की जो प्रसिद्ध काश्य छवि है वो चोल शासकों की है। ऑप्शन यहाँ से ए होगा अपना राइट आंसर। ये क्या है दोस्तों, नटराज एक शिव प्रतिमा है। क्या है दोस्तों, ये शिव प्रतिमा है, ये है एक शिव प्रतिमा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इन्होंने सिखों को अमृत देकर खालसा पंथ की रचना की थी। सिखों को अमृत देकर खालसा पंथ की रचना किसने की थी? खालसा पंथ की रचना दोस्तों सिखों के जो दसवें गुरु थे, सिखों के दसवें गुरु, नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है। देखिए, जो भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है वो दोस्तों कर्नाटक है, ऑप्शन सी। कौन सा है? कर्नाटक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, सातवाहन वंश की भाषा कौन सी थी? सातवाहन वंश की राजभाषा प्राकृत राजभाषा थी, ऑप्शन बी होगा। कौन सी भाषा थी? प्राकृत राजभाषा। जो भी क्लास में आ गए एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? बताइए जल्दी से, होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? होम रूल आंदोलन दोस्तों किसने शुरू किया था? क्या होगा? एनी बेसेंट ने 1916 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए जल्दी से, आपको बताना है कि भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे? भारत के पहले जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री है वो कौन बने थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। जब 1964 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है दोस्तों, तब देख के भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं गुलजारी लाल नंदा। ओके, अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए जल्दी से, भारत में पारिवारिक नियोजन कार्यक्रम आधिकारिक तौर पर कब शुरू किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से। जो भी एक बार क्लास में आ गए एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए एक बार, और इस क्वेश्चन का आंसर देना है, पारिवारिक नियोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था भारत में? बताओ, 1952 में शुरू किया गया था, 1952 में, ऑप्शन बी होगा यहाँ पे, 1952 में शुरू किया गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए आगे बताना आप सभी को, कैमरून की राजधानी क्या है? बताइए जल्दी से दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर देना है सभी को, कैमरून की राजधानी क्या है? जो कैमरून देश है इसकी राजधानी क्या है? याउंडे, ऑप्शन बी। इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? याउंडे, ऑप्शन बी होगा। एक जो प्रमुख देश है उनकी कैपिटल से भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कई बार। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रक्त दाब को मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? ये तो आसान क्वेश्चन आ गया ना, अरे रक्त दाब को मापने वाले यंत्र का नाम बताएगा दोस्तों क्या है? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी देखिए यहाँ पे, स्मिगो मेनोमीटर, ऑप्शन डी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, बताइएगा जल्दी से, भारतीय बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? स्थापना कब होती है दोस्तों? 1935 में इसकी स्थापना होती है। एक क्वेश्चन आता है, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो कब हुआ था? 1949 में, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण होता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है, शक्तिकांत दास इसके 25वें क्या है? गवर्नर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताना सभी को, किस तारे का रंग क्या निर्धारित करता है? मतलब किसी भी तारे का रंग, किसी भी तारे का रंग जो कि निर्धारित करता है तापमान को, ऑप्शन ए हो जाएगा। किसे निर्धारित करता है दोस्तों? तापमान को निर्धारित करता है, ऑप्शन ए राइट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, चलिए बताइए, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद के द्वारा कौन हटा सकता है? बताइए, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति को हटाने का पावर दोस्तों किसके पास में होता है? संसद के पास में होता है। जो संसद है दोस्तों ये महाभियोग प्रणाली के द्वारा हटा सकती है, संसद महाभियोग प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति को हटाती है, आर्टिकल 61 लगाकर, अनुच्छेद 61 लगाकर, ठीक है। संसद की कुल सदस्य का 1/4 सदस्यों के द्वारा पहले प्रस्ताव पारित किया जाता है, फिर देखिए दोस्तों 2/3 सदस्य क्या करते हैं? उन्हें अनुमोदित करते हैं। इस प्रकार से ये प्रोसेस चलती है। अगले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है,
कुतुब मीनार का जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुब मीनार, बात यहाँ पर दोस्तों किसकी हो रही है? कुतुब मीनार की हो रही है। देखिए इसकी नींव तो किसने रखी थी, इसकी नींव दोस्तों किसने रखी थी ये आपको बताना है। देखिए दो तीन क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, दो तीन क्वेश्चन बनते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो इसकी नींव रखी थी। इसकी नींव किसकी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन दोस्तों इसको इसका निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने तीन मंजिल का निर्माण करवाया था इसमें। इल्तुतमिश ने तीन मंजिल का निर्माण करवाया था। और दोस्तों बोला जा रहा है इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? इसका जो पुनर्निर्माण करवाया था वो देखिए दोस्तों फिरोज शाह तुगलक है, ऑप्शन डी होगा यहाँ पे। कौन है? फिरोज शाह तुगलक। तो तीन क्वेश्चन बनते हैं इस एक ही क्वेश्चन से। कुतुब मीनार दिल्ली में है जो कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। बड़े आगे सभी को समझ में, अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बताना आप सभी को मौर्य वंश की राजधानी क्या थी? मौर्य वंश की राजधानी दोस्तों पाटलिपुत्र, ऑप्शन ए होगा। क्या थी? पाटलिपुत्र है, ऑप्शन ए। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से किसने सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था बताना आपको? स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, ऑप्शन सी होगा यहाँ पे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से रियाल किस देश की मुद्रा है? करेंसी से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बताना आपको रियाल किस देश की मुद्रा है? ईरान की है दोस्तों, यहाँ की है, ईरान की। ईरान की जो कैपिटल है तेहरान है। ईरान की दोस्तों जो राजधानी है वो क्या है? तेहरान। राजधानी भी आपको ध्यान में रखना है, क्या है? तेहरान। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से मानाम वन्य जीव अभयारण्य बताइए किस राज्य में है दोस्तों? देखिए एक तो मानाम होता है, एक मानस होता है, एक क्या होता है दोस्तों? मानस होता है। मानाम तो है, मानाम तो दोस्तों सिक्किम में है, ये तो कहाँ पर है? सिक्किम में है। और मानस कहाँ पर है? मानस है दोस्तों असम में। मानस कहाँ पर है? असम में है। दोनों क्वेश्चन ध्यान में रखना दोस्तों, दोनों क्वेश्चन क्या है आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन आप सभी के लिए, उड़ीसा का विश्व प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर बताइए किसके द्वारा बनवाया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उड़ीसा का कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था ये आपको बताना है। बताइए जल्दी से, उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ब्लैक पगोड़ा भी इसे कहा जाता है, और इसका जो निर्माण है वो नरसिंह देव ने करवाया था। नरसिंह देव ऑप्शन डी में दिया हुआ है दोस्तों, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बताना सभी को यहाँ पे भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे बताइए? भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे? बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो देखिए भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे? खान अब्दुल गफार खान, ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। खान अब्दुल जो गफाल खान है देखिए दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पहले भारतीय थे, गैर भारतीय। ओके ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बताना आप सभी को। अच्छा पहले भारतीय कौन थे ये बताइए, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले भारतीय जिनका नाम क्या था आपको बताना है। ये तो देखिए गैर भारतीय थे, आपको बताना है भारतीय कौन थे। भारत रत्न पुरस्कार 1954 में शुरू हुआ था, भारत रत्न पुरस्कार है ये 1954 में क्या हुआ था? शुरू हुआ था। चले ये वाला बताइए आप, तो भारत की पहली बहुदेशीय परियोजना कौन सी है बताइए? भारत की पहली बहुदेशीय परियोजना कौन सी है ये आपको बताना है। भारत की पहली बहुदेशीय परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना, ऑप्शन ए पे, दामोदर नदी घाटी परियोजना ऑप्शन ए होगा। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से कोशिका में गुणसूत्र कहाँ स्थित होते हैं? कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक में पाए जाते हैं, कोशिका में, कोशिका के नाभिक में गुणसूत्र पाए जाते हैं, ऑप्शन डी होगा यहाँ पे। गुणसूत्र कहाँ पर पाए जाते हैं? नाभिक में पाए जाते हैं। जो भी क्लास में एक बार जुड़ा है दोस्तों सेशन को लाइक शेयर करें जल्दी से जल्दी, 220 विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं।
निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं कर सकते? मतलब दोस्तों क्वेश्चन ये है कि कौन सा मौलिक अधिकार है जो आपातकाल लगाने पर भी उसे हटा नहीं सकते। देखिए मौलिक अधिकार दोस्तों आपातकाल लगाने पर हटा दिए जाते हैं, लेकिन कौन सा मौलिक अधिकार है जो आपातकाल की कंडीशन में भी नहीं हटा सकते, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अब बताइए दोस्तों क्या होगा अपना राइट आंसर, यहाँ पे बताइएगा जल्दी से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये चल रहा है, इसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार ये आपसे कोई भी नहीं छीन सकता, ये आपसे कोई भी नहीं छीन सकता, ऑप्शन डी होगा यहाँ पे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का मुख्यालय कहाँ पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले भी गया ये क्वेश्चन हमने, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायालयों का मुख्यालय कहाँ पर है? अच्छा कहाँ पर है दोस्तों, हेग नीदरलैंड में है। कहाँ पर है? हेग नीदरलैंड में, द हेग नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीशों का क्या है, मुख्यालय है। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फाइलेरिया किसके कारण होता है? फाइलेरिया मच्छर काटने से होता है, फाइलेरिया किससे होता है? मच्छर काटने से होता है, मच्छर काटने से होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बताइए, पहली बार विभाजित कब हुई थी? देखिए इसका सबसे पहले तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ये अलग अलग कब हुई थी, 1907 में हुई थी, फिर वापस इसका पैचअप होता है 1916 में, फिर दोस्तों वापस देखे एक साथ हो जाती है 1916 में, ये गरम दल और नरम दल दो दलों में बढ़ जाती है। ओके गरम दल और नरम दल दो दलों में बढ़ जाती है 1916 में, इसका क्या होता है दोस्तों वापस से पैचअप हो जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताना है सभी को मंगल ग्रह की कक्षा में पहुँचने वाले पहले एशियाई देश का नाम बताइएगा क्या है? शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाले पहले एशियाई देश दोस्तों अपना जो भारत वो है, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने वाली समिति का नाम क्या था? अच्छा आप सभी ने दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सुना होगा, हमने जब देखिए क्लास लगाई थी इसके लिए तो दोस्तों अच्छे से आपको बताया था कि 13 अप्रैल 1919 को होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। यहाँ पे गोली चलाने का जो आदेश है वो कर्नल डायर देता है, यहाँ पर दोस्तों गोली चलाने का आदेश कौन देता है? कर्नल डायर देता है। तो बोला जा रहा है इस हत्याकांड की जांच करने के लिए एक समिति बिठाई गई थी दोस्तों, उस समिति का नाम क्या था? हंटर समिति। क्या नाम था? हंटर समिति, ऑप्शन सी होगा यहाँ पे राइट आंसर। इस समय जो भारत का वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इस समय दोस्तों जो भारत का वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। तो इसका नाम भी आपको ध्यान में रखना है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इससे पहले दोस्तों रोलेक्ट एक्ट भी हुआ था जिसे काला कानून भी कहा जाता है, जिसे क्या कहते हैं? काला कानून भी कहते हैं। ठीक है अगर, और जो कर्नल डायर है इसे उद्धम सिंह, कौन है? उद्धम सिंह के द्वारा ये मारा जाता है कर्नल डायर। अंतर्राष्ट्रीय, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बताओ जल्दी से अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? मनीला फिलीपींस में है, मनीला फिलीपींस में है, फिलीपींस दोस्तों उसकी जो कैपिटल मनीला, मनीला फिलीपींस में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। और भारत में दोस्तों कटक उड़ीसा है, भारत में जो चावल अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर दोस्तों? कटक उड़ीसा में है, ये भी आपने पढ़ा होगा कटक उड़ीसा। ठीक है अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताना आप सभी को नेक्स्ट देखिएगा, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब की गई थी? बताओ जल्दी से अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना है वो 1927 में होती है, 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना होती है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, बताओ जल्दी से जब इसे रखा जाता है तो इस किसी वस्तु का वजन न्यूनतम हो जाता है? दोस्तों ये बताना है किसी भी वस्तु का वजन न्यूनतम कहाँ पर होगा, किसी भी वस्तु का जो वजन है ये न्यूनतम कहाँ पर होगा? पृथ्वी के केंद्र पर होगा। अरे कहाँ पर होगा? पृथ्वी के केंद्र पर ही होगा सबसे न्यूनतम, ऑप्शन ए होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिएगा, बताइएगा जल्दी से भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस क्षेत्र में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे बड़ा योगदान दिया है? क्या होगा आंसर? भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे बड़ा योगदान दिया है? कृषि क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में। और दोस्तों कृषि क्षेत्र किस में आता है? प्राइमरी क्षेत्र में आता है, प्राइमरी क्षेत्र में क्या आता है? कृषि आती है।
कर्सी, तो यहाँ पे कर्सी हो जाएगा अपना ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली आधुनिक नियमित जनगणना 1881 में शुरू हुई थी किसके समय, ये बताइए। अभी हमने एक दो दिन पहले पढ़ा था दोस्तों कि भारत में जो जनगणना है वो कब शुरू होती है, 1972 में होती, लेकिन नियमित जनगणना 1872 में होती है। लेकिन दोस्तों जो नियमित जनगणना है वो कब होती है, नियमित जनगणना होती है 1881 में, नियमित जनगणना 1881 में होती है किसके समय, बताइएगा जल्दी से। हाँ आंसर हो जाएगा यहाँ पे लॉर्ड रिपन के समय, बिल्कुल सही है ऑप्शन ए जिन्होंने बताया ना, बिल्कुल सही है लॉर्ड रिपन के समय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है, बताओ जल्दी से, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है, देहरादून में है उत्तराखंड में, ऑप्शन सी होगा यहाँ पे, देहरादून उत्तराखंड में है ऑप्शन सी। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, इंदिरा पॉइंट दोस्तों कहाँ पर बताइए जल्दी से, भारत का ये दक्षिणी बिंदु है, भारत का क्या है तो ये दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ये कहाँ पर है बताइएगा आंसर क्या होगा इसका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, बिल्कुल सही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला चैनल कौन सा है ये बताइए आप, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला चैनल का नाम बताइएगा दोस्तों क्या है। और जो भी एक बार क्लास में जुड़े हैं एक बार सेशन को लाइक कीजिए जल्दी से जल्दी, डिग्री चैनल इसे क्या करता है अलग करता है। ओके इसकी राजधानी क्या है अंडमान निकोबार की, इसकी राजधानी बताइए दोस्तों, इसकी राजधानी क्या है अंडमान निकोबार की, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है बताओ जल्दी से, सर उसका भोपाल नहीं है क्या, नहीं उसका भोपाल नहीं है, ठीक है ना उसका भोपाल नहीं है, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अच्छा दोस्तों इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बताओ जल्दी से, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, सेंडल पीक है, वेरी गुड वेरी गुड, चलिए अच्छी बात है आप लोग पढ़ते हो मतलब, है ना यही देख रहा था मैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, पृथ्वी अपने धुरी पर किस दिशा में घूमती है बताइए, पृथ्वी अपने धुरी पर किस दिशा में घूमती है, पृथ्वी देखिए दोस्तों ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, हमने किया था ना पृथ्वी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे उन्हीं क्वेश्चनों में से दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी है कि पृथ्वी दोस्तों पश्चिम से पूर्व की तरफ इस प्रकार से घूमती है, ऑप्शन बी होगा यहाँ पे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भूकंप की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है, अच्छा क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है, 250 स्टूडेंट्स क्लास को देख रहे हैं, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, बेरोमीटर के द्वारा बताइए दोस्तों, देखिए दूध की शुद्धता को तो लैक्टोमीटर के द्वारा मापते हैं, दूध की शुद्धता को तो लैक्टोमीटर के द्वारा मापते हैं, बेरोमीटर के द्वारा बताइए किसको मापा जाता है, ये आपको बताना है बेरोमीटर के द्वारा किसका मापन किया जाता है, वायु दाब को मापने के लिए बेरोमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों ना, वायु दाब को मापने के लिए बेरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बताइए जल्दी से निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी जी ने लिखी थी, शानदार क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की पुस्तकें तो आपको याद रख लेना है, महात्मा गांधी जी की जो पुस्तक है वो कौन सी थी, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, एक पुस्तक दोस्तों हिंद स्वराज, एक क्या है हिंद स्वराज, ये भी महात्मा गांधी जी की पुस्तक है, ये ध्यान में रखना, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, बताओ योग के प्रणेता कौन थे, जल्दी से बताइएगा योग के प्रणेता कौन थे, योग के जो प्रणेता है वो कौन थे, पतंजलि, ऑप्शन ए होगा पतंजलि। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए जल्दी से अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, जीएसटी भारत में दोस्तों जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी, भारत में जीएसटी का शुभारंभ कब हुआ था ये भी आपको बताना है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है ये भी दोस्तों बताना है। सबसे पहले तो देखिए जीएसटी शुरू हुई थी 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 में जीएसटी शुरू होती है, और जो इसका देखिए दोस्तों इसका जो अध्यक्ष रहता है वो कौन है,
जो वित्त मंत्री होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री वो होते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, ऑप्शन बी होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वुमन ऑफ विजन पुस्तक के लेखक, वुमन ऑफ विजन पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। आलम श्रीनिवास, आलम श्रीनिवास की अब तक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, बताओ चक्रशिला वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है, चक्रशिला वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है, चक्रशिला कहाँ पर है, असम में है, असम में दोस्तों चक्रशिला, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम नृत्य है ये किस राज्य में विकसित हुआ था, मोहिनी अट्टम भारत का शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनी अट्टम दोस्तों भारत का क्या है, शास्त्रीय नृत्य है, किस राज्य में ये विकसित हुआ था, केरल में, ओके कहाँ पर दोस्तों, केरल में, ऑप्शन डी होगा यहाँ पे, केरल में। देखिए दोस्तों मोहिनी अट्टम भी है, इसके अलावा जो कथकली है वो भी केरल में है, कथक कहाँ का, यूपी का है। आगे देखिए उड़ीसा में, उड़ीसी है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में नई उदारीकृत औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी, भारत में नई जो उदारीकृत औद्योगिक नीति है इसकी घोषणा कब हुई थी, इसकी जो घोषणा है वो 1991 में की गई थी, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसमी बेरोजगारी से तात्पर्य क्या होता है, बेरोजगारी से तात्पर्य क्या होता है, मौसमी बेरोजगारी का मतलब दोस्तों कृषि होता है, कृषि को कहते हैं मौसमी बेरोजगारी, मौसम के अकॉर्डिंग होती है कृषि, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये मौसमी बेरोजगारी है। अगला देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है, अरे भारत में सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन कहाँ पर होता है, झारखंड में होता है दोस्तों, झारखंड में होता है, ठीक है ना, विश्व में तो अमेरिका में होता है सबसे सर्वाधिक, विश्व में तो अमेरिका में होता है, भारत में झारखंड में होता है, भारत का वैसे दोस्तों कौन सा स्थान है, भारत का 30 स्थान है विश्व में कोयला उत्पादन में। आगे देखिए, गांधी जी पहला सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था, ये तो आपके लिए बहुत आसान हो गया होगा, दो तीन बार हमने कर लिया, गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह था, ठीक है दोस्तों। अगले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिहार में हुआ था, बिहार में हुआ था, ऑप्शन ए होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, बताओ आप लोग लिखते हो जीरो, जीरो का आविष्कार किसने किया था, हाँ बताइए जल्दी से, जीरो का आविष्कार किया था, देखिए जो आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट, ओके आर्यभट्ट है, ऑप्शन बी होगा यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि सबसे कम है, कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय की जो वार्षिक वृद्धि है ये सबसे कम है, बताइए आंसर क्या होगा। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है ये 1961 से 1966 तक है। अच्छा दोस्तों पंचवर्षीय योजना शुरू कब हुई थी, 1951 में शुरू हुई थी, 1951 से जो 56 तक दोस्तों ये पहली पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है ना, ये थी पहली पंचवर्षीय योजना। और तीसरी कब देखिए, 1961 से 66 तक, और इस समय राष्ट्रीय आय की जो वार्षिक वृद्धि है ये ऋणात्मक रही थी, ओके सबसे कम रही थी। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, 5 ये बताना आपको, चलिए ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, चलिए आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का, 5 अक्टूबर को मनाते हैं, जिन्होंने 5 अक्टूबर बताया है बिल्कुल उनका सही होगा। अच्छा फिर 5 सितंबर को मनाते हैं ना, 5 सितंबर को दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं, दोनों क्वेश्चन ध्यान रख लेना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे पहले नौकायन करने वाला कौन था, दुनिया में सबसे पहले नौकायन करने वाला कौन था, नौकायन कौन था, अरे पुर्तगाली थे, पुर्तगाली दोस्तों दुनिया में सबसे पहले नौकायन करने वाला था,
क्या होगा यहाँ पे आंसर? मेगलन, वास्को डी गामा दोस्तों बाद में था, मेगलन इसके पहले था, ठीक ना? वास्को डी गामा नहीं होगा यहाँ पे, मेगलन होगा, पुर्तगाली था ये मेगलन भी, सबसे पहले नौकायन इसी ने किया था दुनिया में सबसे पहले। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है समाचार पत्र अल हिलाल बताइए, अल हिलाल, अल हिलाल समाचार पत्र किसका है ये बताओ? मौलाना अबुल कलाम आज़ादी, आज़ाद का, ठीक ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है। ऑप्शन ऑप्शन दोस्तों यहाँ से हो जाएगा बी, ठीक है ना? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बताइए जल्दी से, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था बताइए? पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन है ये रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील का एक शहर था दोस्तों रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील का शहर रियो डी जेनेरियो में पहला पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, अगला है भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए एक बार। सबसे पहले तो 244 स्टूडेंट है, 200 लाइक भी क्लास पर नहीं है, जल्दी से जल्दी दोस्तों एक बार सेशन को लाइक कर देना। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? पहला जो आम चुनाव ये 1951-52 ईस्वी में हुआ था, 1951-52 ईस्वी में, ऑप्शन डी यहाँ राइट है। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऑप्शन डी जिन्होंने बताया ना। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे, रणजी ट्रॉफी बताइए कब शुरू हुई थी? रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी दोस्तों इसके बारे में आपको बताना है कब शुरू हुई थी। 1934 ईस्वी में क्रिकेट में दी जाती है, किसमें दोस्तों? क्रिकेट के क्षेत्र में दी जाती है रणजी ट्रॉफी, 1934 में शुरू हुई थी। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए जल्दी से, महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? चलो, महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? कब बने थे? 1924 में कर्नाटक का एक अधिवेशन चल रहा था दोस्तों बेलगांव गांव में, ठीक है ना, महात्मा गांधी जी जो अध्यक्ष बनते हैं। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? एक दो क्वेश्चन और है, शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा, तो बताइए जल्दी से अफ्रीका से होके गुजरती है। कहाँ से दोस्तों? अफ्रीका से होके गुजरती है, ऑप्शन ए होगा यहाँ पे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में सांगपो के नाम से जाने जाने वाली नदी कौन सी है? चलिए, तिब्बत में सांगपो के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तिब्बत में सांगपो कहते हैं, और दोस्तों बताइएगा जल्दी से क्या होगा यहाँ पे? ब्रह्मपुत्र नदी है, ऑप्शन बी राइट आंसर है यहाँ पे। असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं, असम में इस नदी को ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत को सांगपो कहा जाता है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आप सभी के लिए फिर एक क्वेश्चन है, आपको बताना है गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन में देने के लिए दोस्तों क्वेश्चन है, ओके, अमरीका का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। बाकी देखिए दोस्तों, अगर आपने ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, फिर से बता रहे हैं आज अंतिम मौका है, एक फ्री टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है यहाँ पे। और ये देखिए दोस्तों, वैसे 100 रुपये इसके कल से 100 रुपये हो जाएंगे टेस्ट सीरीज के, आज ये देखिए केवल और केवल 51 रुपये में मिल रही है। तो अगर आप लेना चाहते हो तो वहाँ पर कोड लगा देना PTT 2023 और इसे परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो सेशन अगर अच्छा लगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास, फ्रेंड्स ने देखो टेस्ट दे लिया है, और देखिए मेरी बात ध्यान से सुनना, टेस्ट अगर जिन्होंने नहीं दिया दे लेना आज शाम को। मैं देखिए दोस्तों, जिनके फर्स्ट सेकेंड और थर्ड रैंक आती है मैं अनाउंस करूँगा क्लास में, और उसको उनके पैसे वो वापस रिफंड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चले फिर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट अगली क्लास में। सर इनके चैप्टर की वीडियोस अपलोड है क्या? हाँ बिल्कुल अपलोड है, बिल्कुल देखिए इनके चैप्टर की वीडियोस, आप ऑलरेडी दोस्तों चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पर देख लेना, ओके।
रीजनिंग की मैराथन दोस्तों आपकी होने वाली है 10 तारीख को। रीजनिंग की मैराथन दोस्तों 10 तारीख को होने वाली है सर। आईफोन में iOS ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें चला लीजिए आईफोन में। ओके, तो अगर आपको देख के टेस्ट से रिलेटेड कुछ भी जानकारी पूछनी है तो दोस्तों आप मैसेज कर दीजिए हमें इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे पूछ लेना लॉगिन स्टडी के दोस्तों क्या बना हुआ है, लॉगिन स्टडी का इंस्टाग्राम अकाउंट बना हुआ है, वहाँ पर आप लोग पूछ सकते हो, आपको बता देंगे। कोई भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप लोग पूछ लेना, ठीक है। हाँ, टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हो आप, टेलीग्राम पर भी दोस्तों पूछ सकते हो। टेलीग्राम पर भी देख के अपना लॉगिन स्टडी का क्या है दोस्तों अकाउंट बना हुआ है, तो वहाँ पर भी आप लोग पूछ लेना। टेस्ट कैसे दे सर, टेस्ट सब कुछ मैंने प्रोसेस बता रखा है, सब कुछ प्रोसेस बता दिया। देखिए, अच्छा देखिए दोस्तों एक बात सुन लीजिए, जिनके टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं उनको क्या करना है, जिनके टेस्ट में नंबर क्या आ रहे हैं, नंबर आ रहे हैं कम, अब आपको वहाँ पर क्या करना है दोस्तों, एनालिसिस। एनालिसिस करने का ऑप्शन आता है वहाँ पर, जहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि आप कौन सा आंसर गलत हुआ है। ये भी दोस्तों वहाँ पर टेस्ट में देख के दिया हुआ है, ऑप्शन है वहाँ पर। वहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि अपना कौन से टॉपिक में जो क्वेश्चन है वो गलत हुआ है। जहाँ पर दोस्तों आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हुआ है, उस वीक पॉइंट को आपको उठाना है। क्या करना है, उस वीक पॉइंट को क्या दोस्तों आपको उठाना है और उसी को क्या करना है, आपको तैयार करना है। देखिए टेस्ट देने का मतलब क्या होता है, टेस्ट देने से आपको अपनी तैयारी का पता चलता है कि हमारी तैयारी कितनी है। एक आपको पता चलता है कि हमारा कौन सा टॉपिक क्या है कमज़ोर है, तो उस टॉपिक को आप अच्छा कर सकते हो। तो आप लोग एनालिसिस किया करो टेस्ट देने के बाद में, ताकि दोस्तों आपको पता चले कि हाँ हमारे कौन से जगह कम नंबर आ रहे हैं, और उसी चैप्टर को बार बार रिवाइज कीजिए, ताकि दोस्तों वो चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, बहुत बेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, आ रहा सभी को समझ में? ओके, इंस्टाग्राम का ही हुए है सर। चलिए कोई बात नहीं, अगर इंस्टाग्राम नहीं जानते तो टेलीग्राम पे आ जाना, टेलीग्राम पे पूछ लेना अगर कोई दिक्कत होती है तो। और इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हो ना, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना अगर आप कुछ भी नहीं जानते तो। बहुत प्यारे स्टूडेंट्स हैं जो इंस्टाग्राम भी नहीं जानते हैं ना, बहुत प्यारे स्टूडेंट हैं, ऐसे होने चाहिए। देखिए ओके, चले फिर क्लास को एंड करते हैं। तो सेशन को लाइक शेयर करके जाना सभी के सभी, और देख लीजिएगा जाके एक बार फ्री वाला टेस्ट देके देख लीजिएगा, अच्छा लगेगा आपको। सर मेरे कमेंट नहीं देखते हैं आप, बताओ जय सिंह बताओ क्या हुआ, जल्दी बताइए क्या हुआ। सर जी फोन पे कैसे करें, एक वीडियो बनाया था मैंने एक दो दिन पहले दोस्तों, एक वीडियो बनाया था मैंने, उसमें मैंने सब कुछ आपको बताया था कैसे आपको फोन पे करना है कैसे नहीं करना, सब कुछ मैंने उस वीडियो में बताया था, आप जाके देख लेना एक बार। 6 मिनट का एक वीडियो है दोस्तों, उसमें मैंने आपको पूरी प्रोसेस के बारे में आराम से बेसिक से बताया है, तो वो जाके एक बार देख लेना, ठीक है। सर जीके के क्वेश्चन से ही तैयारी हो सकती है क्या, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से तैयारी तो हो जाएगी देखिए, लेकिन उतनी ज़्यादा खास तैयारी नहीं होगी। मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट चैप्टर बताए हैं वो चैप्टर एक बार देख लेना, ताकि आपकी तैयारी और भी शानदार हो जाएगी, ठीक। ओके, अब क्लास को एंड करते हैं, और अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप लोग पूछ लेना फिर। जो फ़ोन पे नहीं चलाते आपके पेरेंट्स या कोई भी देख के दोस्तों भाई बहन कोई भी है उनसे आप लोग कर सकते हो। आज आज के लिए है ओनली 51 रुपये, कल
प्राइस है वो बढ़ जाएगी और कल से 103 रुपये का ये टेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर, थैंक यू।